नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल पर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज। एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज, जैसा आप सभी को मैंने पिछले एपिसोड्स में क्लियर किया है, 100 एक्सप्रेस पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ और उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर हम प्रयास करेंगे। हम पहुँच रहे हैं समाज के हर उस क्षेत्र तक, उस छोर तक, जहाँ से कुछ रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, या हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या पॉलिटिक्स, या आर्ट, या कल्चर, साइंस, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, अजय मेरू एक्सप्रेस की ये विशेष पेशकश आपको रूबरू करवाती रहेगी उन व्यक्तित्वों को जिनका है महत्वपूर्ण योगदान, ये धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, कला या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। मुझे खुशी है आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ पुष्कर से संस्कृति, कल्चरल प्रमोशंस को लेकर के एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जो दशकों से कला और संस्कृति को संवर्धित करती आ रही है, पुष्पित, पल्लवित और प्रचारित करती आ रही है। वो कोई और नहीं, पुष्कर से अशोक टांक साहब मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं। तो सीधे लिए चलते हैं आपको स्टूडियो में, जहां मेरे साथ इस समय मौजूद है श्री अशोक टांक। टांक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में, आपने कीमती समय दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। अशोक टांक साहब, प्रेरणा कहां से मिली आपको इस संस्कृति संवर्धन की? मेरा जन्म वैसे पुष्कर का ही है जी। तो पढ़ाई अजमेर करके पुष्कर जब भी मेला होता था जी, मेरे दादाजी पापा यहीं के थे। अच्छा। अब पापा अजमेर चले गए, तो उस दौरान मेले के अवसर पर 2 महीने के लिए छुट्टी मनाने में यहाँ आता था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ की लोक कला, संस्कृति और जो जानवरों से प्यार, वो मुझे भा गया जी। और उसी के चलते आज जो मेरा जुनून बना है, ऊंट का श्रृंगार जी, वो इसकी देन है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, क्योंकि ऊंट मेरे लिए भगवान है, मेरी शक्ति है, मेरा सपना है, मेरा भविष्य है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात कही है आपने कि जब आप जीव प्रेम के ऊपर घूमते हैं, आपका दिल उस पर आता है, तो ये बहुत प्रशंसनीय प्रयास रहता है। आप शुरू से ही इन एक्टिविटीज़ में रहते थे, कैसे आपने पूरा एक स्टूडियो बनाया है, लंबा चौड़ा, अलग अलग तरीके के कलेक्शंस हैं, क्या कुछ है उस खजाने के अंदर श्री टांक साहब? घर पर मेरा कलेक्टर्स पैराडाइज नाम से म्यूजियम भी है और जी एक गैलरी भी है जी। तो उसमें जो अपनी पुरानी विलुप्त होती हुई लोक कला, कशीदाकारी, जिसमें दुनिया भर के कशीदाकारी जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जैसलमेर, गुजरात, महीन महीन, जिसमें कुछ चांदी का काम है, शुद्ध सोने का काम है, उसकी जो संग्रहण है संकलित किया है मैंने। आपने उसको बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि इसमें कहीं से आपको आय नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यय होता है। कैसा लगता है जब आप व्यय ही व्यय करते हैं? ऐसी बात नहीं है, जब मैं अपना परफॉर्मेंस देता हूँ मेलों में और जो भी पसंद करने वाले आते हैं, तो उनको दिखाने का मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक तरह से यहाँ से चीज़ें जाती है, पिक्चर्स जाते हैं, फोटोग्राफ्स जाते हैं, वीडियोस जाते हैं, और अब तो डॉक्यूमेंट्रीज बनने लग गई है मुझ पर। तो मैं अपने तहे दिल से जो लोग भी कर रहे हैं इस चीज़ को और जो विश्व के मानस पटल पे पहुंचा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है और काबिले तारीफ है। ये जज्बा है। मैंने आपको कई बार देखा है, आप एक प्रसिद्ध ऊंट श्रृंगारक भी है, और यहाँ जब पुष्कर का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है, आपका बहुत सी बार सम्मान भी हुआ है। क्या कुछ लगता है जब आपको अनायास वो सम्मान और ये सब चीज़ें प्राप्त होती है? आप दर्शक देख सकते हैं यहाँ कुछ सम्मान की झलकियाँ वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए आप, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कैमल डेकोरेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ
एनिमल हस्बेंड्री अजमेर इन पुष्कर फेयर 2013, और उसके बाद में ये दूसरा अवार्ड इनके हाथ में है। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करी है इन्होंने कला को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, किस तरीके से ये म्यूज़ियम बना करके रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टाक साहब, इसके अलावा भी आप और कुछ भी गतिविधियाँ करते हैं, जैसे सोशल अवेयरनेस? हाँ, सोशल अवेयरनेस एज एन एक्टिविस्ट मैं पुष्कर के जो भी, जैसे अपना रेगिस्तान के धोरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जी रातों रात चोरी होते हैं, लोग इसको अपने ट्रकों में ट्रैक्टरों में भर भर के ले जाते हैं, जी तो मुझे यह बात बड़ी दुख देती है। जी और इन चीज़ों को तो मैं प्रशासन को अवगत कराता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ। कुछ प्रयास तक रुक जाता है पर फिर शुरू हो जाता है। अच्छा है ना, सब कुछ चला जाए उससे अच्छा आपके प्रयास हाँ से कुछ बच जाए, जी तो हाँ आपका प्रयास भी सार्थक होता है। लेकिन मैंने देखा आप पर्यटन दिवस, जनसंख्या दिवस या इस तरीके के बहुत सारी एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ करते हैं, हाँ साल में मेरी करीब 10 एक्टिविटीज़ हो जाती क्या है। क्या है? राजस्थान जैसे पूरे जो होता है अपना वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड म्यूज़ियम डे, जी और अभी 26 तारीख को मैंने विश्व पर्यटन दिवस मनाया हाँ, है, वो मैंने जो इस तरह का विदेशी मेहमान अपने देशी मेहमानों को अपने म्यूज़ियम के कलेक्शन से सजा कर उनको ऊँटों पर जो रैली निकलती है उस पर बैठा कर, और वो इटलाते हैं, गाना गाते हुए चलते हैं और पूरी मस्ती में झूम जाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब एक विदेशी नागरिक। डॉक्टर साहब, आपकी ये की पिक्चर और बहुत सोशल मीडिया के ऊपर है ये मेरे एक पिछले साल की फ़ोटो है, जो मैं ऊँट पे बैठ के और मेरी बड़ी छतरी है उससे हाँ लोगों पर फूल उछाल रहा हूँ मैं। उसी हाँ का एक भाव है जो मैं इस बार पुष्कर मेले में इसका पोस्टर बना के लोगों को सौगात के रूप में भेंट करूंगा। आप देखिए, मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, आप देखिए कि किस क्लियर भाव भंगिमा, क्या मुस्कान है जब आप किसी कला के क्षेत्र में काम करते हैं और आप वो क्षण आ जाता है। देखिए ये कैमरे में जो क्लिक हुआ है, देखिए किस तरीके की एक अद्भुत छवि आपके चेहरे पर उभर करके आ रही है, कि आप खुद को कितना प्रसन्न महसूस कर रहे हैं ये संस्कृति को संवर्धित करने के लिए। बहुत नायाब और अद्भुत आपके, इंग्लैंड से मेरे मित्र ने भिजवाई है पिक्चर। हाँ, तो मतलब आपके फोटोग्राफर्स भी इंटरनेशनल बहुत बहुत मेरे हैं इंतजार रहता है उनको कि कब मैं मुझसे मिलें वो, और जी मैं अपनी कला को उनको सामने हाजिर करूं। और ये मुझे जानकर के प्रसन्नता है कि आप देश ही नहीं, आप दुनिया में भी जी काफ़ी कुछ, चूंकि पर्यटन स्थल भी है तो काफ़ी विदेशी लोग भी उसमें आपकी कला को देख पाते अब हैं। तो जब से राज्य पशु दर्जा दिया गया है सरकार द्वारा ऊँट को, उसके बाद ऊँट के मेरी दिल में एक जगह बन गई है, क्योंकि ऊँट एक मूक प्राणी है जी, और बोल तो पाता नहीं है, हाँ जी, हाँ और जी, एक मैं कह दूँ कि लोग उसको एक गरीब भावना से देखते हैं ऊँट को, पर ऊँट मेरे लिए भगवान है, क्योंकि वो ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान का जहाज जब है। जब कोई चीज जहाज है तो उसका व्यक्तित्व भी और बहुत बड़ा है। एक बात मैं कहूँगा कि जो अपने राज्य सरकार है वो जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम ऊँट के लिए ये करेंगे ये करेंगे, अभी धरातल पे मात्र लेश मात्र प्रयास शुरू हुआ है। सरकार अपने प्रयासों की ओर अग्रसर है अग्रसर वो, है हाँ सरकारें ऊँट करेंगी को सर, समय लगता है आप जानते हैं। एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, और मेरा भविष्य में आने वाले समय में अपने आप को मैंने चैलेंज किया है कि एक ऊँट गांव, जैसा कि हाथी गांव जयपुर में JDA द्वारा बनवाया है, उसी अच्छा, तरह से ADA द्वारा, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, मैं एक ऊँट गांव बसवाना चाहता हूँ, और शिल्प ग्राम कलाकार जो स्थानीय कलाकार हैं जी उनके लिए एक जगह सरकार द्वारा दी जाए जिसमें वो बैठ के अपना हुनर दिखा सके, जी और साथ साथ जो पर्यटक अपने देशी और विदेशी मेहमान आते हैं उनको अपनी बनाई हुई चीज़ें वो बेच भी सकते हैं, तो दोनों तरफ से उनको मान सम्मान मिलेगा और उत्साह मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी जब वो इतना बड़ा कलेक्शन देखेंगे, और किस तरीके से आप अपना प्रदर्शन करते हैं ये, इसमें सारी खबरें हाँ और कहाँ तक आपने आवाज़ पहुँचाई, जी किस तरीके से हाँ और ये, ये पुष्कर का जो जो
हो रहा है हाँ, तो। बहुत बहुत राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी आपकी कटिंग्स हैं, मैं देख रहा हूँ, खबरें हैं आपकी। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। लेकिन चूंकि अब आप एक आइकन बनते जा रहे हैं कल्चरल प्रमोशन के, तो मैं चाहूँगा आप इस शो के माध्यम से देश के समाज को या देश को क्या संदेश देना चाहेंगे टाक साहब? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो अपनी विलुप्त होती हुई लोक कला है जी उसके लिए हर कोई प्रयास करे कि ये बची रहे, अपनी विरासत और परंपराएं जी अभी तक भी जीवित होती रहे जी और जी आने वाले समय में भी लोग जिस तरह से धीरे धीरे अपने परिधान जो राजस्थानी जो जी पहनते थे पूर्व में जी वो अब वो नहीं पहनना या खोता जा रहा है, हाँ तो वो भी एक तरह का जीवित उसको पुनर्जीवन मिले, जी। यही मेरा उद्देश्य है। तो ये थे मेरे साथ श्री टांक साहब, जो आपसे रूबरू हुए थे, कुछ किस्से उन्होंने सुनाए थे अपने को, कुछ जानकारियां दी थी अपने बारे में, कला संस्कृति के बारे में। दोस्तों, आप कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, इस देश में या इस दुनिया में, जहां कहीं भी आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, नहीं भूलें, हमारी खुद की जिम्मेदारी है हमारी कला संस्कृति और हमारे राष्ट्र को संवर्धित करने की। जुड़िए अपनी पहल से, कीजिए कुछ ऐसा और लेके आइए इस प्लेटफॉर्म पे। हम तैयार हैं आपको एक माध्यम देने के लिए। आप पधारे इस स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार टांक साहब। आपका अपना सम्मान सिर आंखों पर। थैंक यू वेरी मच सर।